गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास एट इंग्लिश इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 6 स्टोरी द फाइट जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया पार्ट नंबर 2 वीडियो 4 बनाकर पढ़ाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ पढ़ाए जा रहे हैं, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, आप लोग उसको पूरा देखते होंगे और पढ़ते होंगे और जो है समझते होंगे। और ये भी वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे, समझेंगे। आप लोगों को अगर पूरा अच्छे से समझना है तो पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ओके। तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। हम लोगों को जो है यहां से पढ़ना है, यू कैन डाइव, यहां लिखा है ना, यू कैन डाइव, यहीं से हम लोगों को पढ़ना है, क्लियर। हम लोगों यहां तक पढ़ के खत्म किए थे कि रंजी अपना कपड़ा उतार कर पूल में डिप करता है और उसको नाइफ की तरह चाकू की तरह जैसे चाकू कोई सामान काटता है पानी की धारा को काटते हुए आगे बढ़ता है और ये देखकर जो है वॉरियर का मुंह आर्चर से लटक जाता है। इसी के आगे से अमेंजमेंट यहाँ तक पढ़ चुके थे, यू कैन डाइव ही एक्सक्लेम, उसने चिल्लाया यानी वॉरियर चिल्लाया तुम डाइव कर सकते हो। इट्स ईजी सेड रंजी ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, ट्रेड माने चलते हुए, चलते हुए वाटर में चलते हुए, उसने कहा बहुत सिंपल है, कांट यू डाइव, तुम डाइव नहीं कर सकते हो पानी में चलते हुए, और ये वेट कर रहा था ये फिर से हमको चैलेंज देगा ये चलते हुए, उसने कहा ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, तुम नहीं कर सकते क्या। नो सेड अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूँ, दूसरे लड़के ने कहा, मैं तो सीधा कूदता हूँ इसमें, लेकिन यदि तुम मुझे सिखाओगे तो मुझे आ जाएगा, मैं भी डाइव कर लूँगा, आई विल मेक अ डाइव। इट्स ईजी सेड रंजी, ये तो बहुत आसान है, स्टैंड ऑन द रॉक, रॉक पर खड़े हो जाओ, स्ट्रेच योर आर्म्स, अपने आर्म्स को फैलाओ, बाहों को फैलाओ, आउट बाहर निकालो, एंड अलाउ योर हेड टू डिसप्लेस योर फीट, और अपने सर को अनुमति दो कि जो है आपके पैरों को हटा दे, जिस जगह पर खड़े हो वहाँ से हटा दे, नहीं अपने आओ रॉक पर खड़े हो जाओ, हाथों को उठाओ, फैलाओ, बाहर निकालो और क्या करो वहाँ से कूद जाओ। द वॉरियर स्टूड अप, वॉरियर खड़ा हो गया, स्टिप सख्त एंड स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट आउट हिज आर्म, अपने हाथों को फैलाया, बाहर निकाला, एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, अपने आप को पानी में गिरा दिया, फेंक दिया। ही लैंडेड फ्लैट, फ्लैट माने सपाट, और जो है पानी की सतह पर जो है फ्लैट गिरा, ऑन हिज बेली, अपने पेट के बल। आप लोग जानते हैं जब कोई पेट के बल या गिरता है पानी पर तो उसे चोट लगता है और बहुत तेज चोट लगता है, जैसे कि हम लोगों को कोई डंडे से मारता है हमारे पेट पर तो बहुत तेज चोट लगता है उसी तरह से। तो क्या हो पेट के बल गिरने से पानी पर, हो सकता है आप कभी तैरे हों तो सीधे गिरे हों पेट के बल या पेट के बल तो चोट लगता है, उसी तरह से लगा भी हो तो वैसे इसको भी लगा। तो पानी के पर फ्लैट गिरने से क्या हो, बहुत तेज आवाज़ हुआ, विद क्रैश ऑन, सॉरी ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, बेली माने पेट, विद अ क्रैश, क्रैश के साथ तेजी की आवाज़ के साथ, एंड सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ हिज ट्री, सेंट माने भेज देना, बर्ड्स माने चिड़ियों को, स्क्रीम माने चीखने चिल्लाने, आउट माने बाहर ऑफ द ट्री, ट्री से, यानी क्या हुआ इतनी तेज से आवाज़ हुआ इस सारे बर्ड्स जो बैठे थे आराम से चीखने चिल्लाकर चिल्ला चिल्लाकर क्या हुआ इधर उधर हो गए। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, डिजॉल्व माने होता है घुल जाने, यानी रंजी को इस पर हंसी आ गया, क्लियर। आर यू ट्राइंग टू इम्पटी द पूल, ही आर्ट एज द वॉरियर केम टू द सर्फेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, स्पाउट माने फवारे छोड़ना, मछली की तरह फवारे छोड़ना, वॉरियर ओके योद्धा, सर्फेस माने सतह पर। क्या हुआ जब वॉरियर यानी जो फ्लैट केबल गिरा था अपने आप को वॉरियर कह रहा था, वेल की तरह, वेल मछली की तरह क्या था, छोटे वेल की तरह स्पॉटिंग वाटर यानी पानी की फवारे छोड़ते हुए बाहर आ रहा था, तब तक रंजी ने कहा क्या तुम पूरे
पूल को खाली कर दोगे क्या? तुम पूरा पूल खाली करना चाहते हो तालाब को? वाजंट इट गुड, आर द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, फीट माने स्किल, करतब, ओके, एविडेंटली एकदम स्पष्ट रूप से। तब तक जो है लड़के ने कहा, जो वॉरियर था, क्या ये स्पष्ट रूप से सही नहीं था मेरा करतब, यानी जो मैंने किया ये अच्छा नहीं था ना? नॉट वेरी गुड सेड रंजी। रंजी ने कहा नहीं बहुत अच्छा तो नहीं था। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, देखो मैं फिर से इसको करता हूँ, आई विल डू इट अगेन। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, और अपने आप को जो है एक रॉक पर खड़ा किया, ही एग्जीक्यूटेड एन अदर परफेक्ट डाइव, परफेक्ट माने कंप्लीट, पूरा पूर्ण रूप सही से, एग्जीक्यूटेड माने क्रियान्वित करना, और उसने जो है एक फिर से अच्छे से बहुत अच्छा डाइव कर दिया रंजी ने। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, और दूसरा लड़का इंतजार करता रहा उनके वापस ऊपर आने का। बट स्विमिंग अंडर वाटर, लेकिन पानी के अंदर तैरते हुए रंजी सर्किल्ड, रंजी गोल गोल काटते हुए हिम एंड अपने आप को, एंड उसको, हिम माने उसको यानी वॉरियर को, एंड केम अपॉन हिज हिम फ्रॉम बिहाइंड, और उसके पीछे से उसके पीछे से आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, रंजी जब दोबारा कूदा तो दोबारा पानी के अंदर तैरते हुए उसके पीछे से आ गया, यानी वॉरियर के पीछे से पहुंच गया। ओके, हाउ डिड यू डू दैट अस्टोनिश्ड बॉय, यूथ, यूथ माने नौजवान, अस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित उस नौजवान ने यानी वॉरियर ने कहा, तुम यार इसको कैसे किए, कैन यू कांट यू स्विम अंडर वाटर आर्ड रंजी। तब तक रंजी ने कहा, जब उसने कहा वॉरियर ने, यार तुमने इसको कैसे किया, यानी पानी के अंदर कैसे तैरे, तब तक रंजी ने कहा तुम नहीं पानी के अंदर नहीं तैर सकते हो। नो बट आई विल ट्राई, नहीं लेकिन मैं भी इसका प्रयास करूंगा। द वॉरियर मेड अ ट्रिमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, एंड इनडीड ही थॉट ही हैड अ गॉन राइट डाउन, दो हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेंड अबव सरफेस। द वॉरियर मेड अ ट्रिमेंडस एफर्ट, एफर्ट माने प्रयास, चेष्टा करना, ट्रिमेंडस माने विशाल, बड़ा। वॉरियर ने जो है बहुत बड़ा प्रयास किया टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, प्लंज माने कूदना, बॉटम ऑफ द पूल यानी पूल के बॉटम पर। क्या हुआ, जो वॉरियर था फिर से जो है बहुत बड़ा प्रयास किया और पूल के वाटर में कूद गया। एंड इंडीड, और वास्तव में, इंडीड माने वास्तव में, ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, और उसे लगा कि वो जो है नीचे एकदम सही तरीके से चला गया, जैसे मैंने तैरना चाहिए, जैसे रंजीत तैरा था। दो हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेंड अबव सरफस, लेकिन उसका बॉटम यानी लड़के का जो सतह था यानी बॉडी था, जैसे कि क्या होता है डक तैरता है और डक का बॉडी दिखता है, उसी तरह से क्या था, लड़के की शरीर जो है वाटर के सरफस पर दिख रहा था, रिमेन माने रहना, बचे रहना यानी दिख रहा था। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजीत चूंकि बहुत अच्छा लड़का था इसलिए जो है वो वॉरियर को हतोत्साहित निराश नहीं करना चाहता था। डिस्करेज माने हतोत्साहित निराश, ओके, डिस्करेज हिम, इट वॉज नॉट बैड ही सेड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस माने बहुत ज़्यादा प्रयास, प्रैक्टिस माने प्रयास। इट वॉज नॉट बैड, ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं था, लेकिन तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। भाई सही बात है भाई, हम लोगों को कोई भी चीज़ सीखते तो एक बार में नहीं सीख जाते, जब कई बार प्रयास करते हैं तब आता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक बार मान लो अच्छे से हो भी जाए तो एक बार करने से फिर भूल भी जाएंगे, बार बार करना होता तो आदत बन जाता है। तो प्रैक्टिस, विल यू टीच मी आर हिज एनमी, एनमी माने दुश्मन, तब तक उसके एनमी ने यानी वॉरियर ने कहा तुम मुझे सिखाओगे, इफ यू लाइक आई विल टीच मी, हाँ क्यों नहीं, या तुम चाहोगे तो क्यों नहीं सिखाऊंगा भाई, यू मस्ट टीच मी, इफ यू डोंट टीच मी आई विल बीट यू। फिर वॉरियर कहने लगा तुम अवश्य मुझे सिखाओगे, और यार नहीं सिखाए तो तुमको बहुत पीटूंगा, मारूंगा, बीट माने पीटना, मारना, तुम मुझे सिखाओगे और नहीं सिखाए तो समझ लेना बहुत मारूंगा। Will you come here every day and teach me? क्या तुम यहाँ डेली आओगे और मुझे सिखाओगे? If you like, said रंजी, रंजी ने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम चाहोगे तो क्यों नहीं। They had pulled themselves out of the water, वो लोग एक साथ अपने आप को जो है पानी से बाहर निकाले, and were sitting side
बाय साइड ऑन आ स्मूथ ग्रे रॉक। ग्रे माने भूरा, रॉक माने पत्थर चट्टान, स्मूथ माने होता है मुलायम। और वो लोग एक मुलायम से अच्छे से चट्टान भूरे चट्टान पर क्या हुए हैं, जो पीला पड़ा था उस पर बैठ गए हैं एक दूसरे के बगल। समझ में आए? इस तरह से मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछेंगे ज़रूर कमेंट करके। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अपने अगले वीडियो में इसी चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।